सब्सक्राइब कीजिए बब्लू टेक विजन को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप लोग घर बैठकर पूरा मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम आप लोगों की क्लास लेंगे हेल्थ केयर, GDA और PCA, ये दोनों एक ही हैं, आप सब जानती हैं। GDA और PCA में हेल्थ केयर के ऊपर हम क्लास लेंगे, घायल रोगी को ले जाना, घायल रोगी को कैसे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रोगी को अस्पताल के अंदर आने, इसमें रोगी को अस्पताल के अंदर आने और अस्पताल के अंदर घायल होने के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि घायल रोगी को ले जाना, घायल रोगी जो मरीज है उसको कैसे ले जाते हैं। तो इसके दो प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाती है, वो अभी हम बताएंगे। पहले जानिए कि घायल रोगी को कैसे ले जाते हैं, बाय एम्बुलेंस या फिर ट्रॉली के माध्यम से। हम इसे कई प्रकार से ले जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अस्पताल परिवहन व्यवस्था। आंतरिक परिवहन के माध्यम से ले जा सकते हैं, आंतरिक परिवहन में जैसे कि ट्रॉलियां, ठीक है, और स्ट्रेचर और क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और फिर लिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, नहीं लिफ्ट, ओके लिफ्ट। उसके बाद हम लोग सेकंड में आते हैं, बाय परिवहन। बाय परिवहन में क्या हो सकता है, एक मिनट, इसमें बाय परिवहन में जैसे क्या हो सकता है, एम्बुलेंस, ठीक है, ट्रेन भी हो सकता है, ठीक है, और हेलीकॉप्टर, गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसे कई चीज़ें जो बाहर से हम लोग हॉस्पिटल तक लाने का एक माध्यम बन सकता है, लेकिन बैलगाड़ी से नहीं लाते हैं, मेनली हम लोग एम्बुलेंस से लेके आते हैं, ठीक है। ट्रेन हो गया, कार हो गया, बस हो गए, ये सारे चीज़ें आपका बाह्य परिवहन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो परिवहन के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। सामान्य सिद्धांत क्या है, जैसे मान लो कि कोई मरीज है, उसको बैलगाड़ी से तो लेके नहीं आएंगे, काफ़ी घंटा लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, उससे क्या होगा, वो उधर ही मर जाएगा। तो इसके क्या कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं, घायल व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाना हमारा प्राथमिकता जो है, पहली प्राथमिकता है क्या है कि घायल व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाना, ठीक है। और परिवहन में ट्रायल्स का पालन करते हैं। ट्रायल्स क्या है ये आगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए, ट्रायल्स में हम लोग छटनीकरण कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज पे बांट सकते हैं, प्रायोरिटी के आधार पे देख सकते हैं कि हमें कौन सी मरीज को तत्काल जरूरत, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके आधार पे हम लोग उसको फौरन इलाज कराते हैं। मान लीजिए किसी मरीज को हल्का फुल्का चोट आया है तो उसे उतनी मतलब प्रायोरिटीज के आधार पे उसका हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है परिवहन की विधि चोट की तीव्रता की प्रकृति पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, परिवहन जो है, परिवहन की विधि क्या है, चोट की तीव्रता पर, कितना मरीज को कितना गंभीर चोट आया है उस पे ही डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह के परिवहन से उसको वहाँ पहुँचाएं। अगर नॉर्मल चोट है तो वो आराम से भी ले जाया जा सकता है, बाइक से भी ले जाया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा चोट है तो हम क्या करते हैं, आराम से उसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे,
अदरवाइज अगर हम दूसरे माध्यम से ले जाएं उससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, है कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग आते हैं परिवहन के दौरान ट्रायल्स। ट्रायल्स अभी जो बता रहे थे, ट्रायल्स को हम लोग कैटेगरी वाइज में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी जो होगा इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि इन लोगों की तत्काल मदद करने या करने की जरूरत है, इन लोगों की तत्काल मदद करना। ठीक है, इनको सर्वोच्च प्राथमिकता देना होगा, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी कि इन्हें अर्जेंट बेसिस पे इनको जरूरत है मेडिकल की, और इनकी सर्जरी की भी जरूरत है। सेकंड कैटेगरी में आता है कि प्राथमिकता कैसी है, मतलब कि मरीज को कितना चोटें हैं, कितना उससे रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की, कम चोट है या ज़्यादा चोट है, या फिर वो मरीज मर चुका है। यदि मर चुका है तो फिर हमें उसे उतना स्पीड काम करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब फौरन ही एम्बुलेंस लेकर तुरंत पहुँचाएँ, मतलब कि प्रायोरिटीज के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, श्रेणी थ्री कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में आता है, पहले आपसे प्राथमिक सहायता की ज़रूरत है। थर्ड कैटेगरी में मरीज को प्राथमिक सहायता की जरूरत पड़ती है, किंतु लेकिन सर्जरी यदि ऑपरेशन कराना है तो हम वेट भी कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उन्हें अभी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ट्रायल्स यही बताता है बेसिकली कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है, इमरजेंसी है या थोड़ा और वेट कर सकते हैं या फौरन उसका इलाज कराना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग ट्रायल्स के बारे में बताएंगे कि लेबल कैसे करते हैं, कौन सा मरीज मतलब कि कितना ज़रूरत है उसको एक लेबलिंग करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे वाले आने वाले वीडियोस में ज़्यादा फायदा हो और अधिक से अधिक जानकारी ले पाएंगे। धन्यवाद।